भारत अपने आप में कई रहस्य और रीति रिवाज समेटे हुए है। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहां अजीब से रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। आधुनिक युग के समय में भी ये कुरीतियां पीछा नहीं छोड़ रही, जिनमें से एक का जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। जहां आज के समय में महिलाओं को पुरुषों से ऊपर का दर्जा मिलना शुरू हो गया है, वहीं एक गाँव ऐसा है जिसमें अपने पुरातन रीति रिवाज के चलते महिलाओं को निर्वस्त होकर रहना पड़ता है। सुनने में यह वाकई अजीब लगता है, लेकिन यह कुरीतियाँ अभी भी हमारे समाज में विद्यमान हैं और आज हम आपको इस गांव की रीति रिवाज और इसके बारे में बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी में पीणी गांव की, जहां की शादीशुदा महिलाएं 5 दिनों तक कपड़े नहीं पहनती हैं। इन 5 दिनों में वो बिना कपड़ों के ही रहती हैं। ऐसा सालों से चलता आ रहा है और इसे अभी भी निभाया जा रहा है। जी हाँ, ये सच है, इस गांव में साल में 5 दिन औरतें कपड़े नहीं पहनती। इस परंपरा की खास बात यह है कि वह इस समय पुरुषों के सामने भी नहीं जाती, यहां तक कि महिलाओं के पति भी अपनी पत्नियों से दूरी बना के रखते हैं। सावन महीने में इस परंपरा को अपनाया जाता है। इस गांव में जो रीति रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं, उसके मुताबिक हर साल पति अपनी पत्नी से इन 5 दिनों के लिए बात नहीं करता। यही नहीं, यहाँ की महिलाएं हर साल 5 दिन बिना कपड़ों के रहती हैं। कहते हैं कि अगर इस गांव में आज कोई भी स्त्री इस कार्य को नहीं करती है तो उसके घर में अशुभ हो जाता है। हालांकि इस परंपरा में थोड़ा बदलाव देखने को जरूर मिला है। औरतें इन 5 दिनों में कपड़े नहीं बदलती और काफ़ी बारी कपड़े पहनने लगी हैं। अगस्त के इन दिनों में लोग हंसना भी बंद कर देते हैं और विशेष पूजा की जाती है। इस रीति रिवाज की खास बात यह है कि इसकी वजह से लोग 5 दिन बुराई से दूर रहते हैं। परंपरा में अब बदलाव आया है, अब शादीशुदा महिलाएं 5 दिनों के लिए काफी महीन कपड़े पहनती हैं। इस मुद्दे पर गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस परंपरा को सदियों से निभाया जा रहा है और अगर ऐसा नहीं किया जाता या कोई स्त्री ऐसा करने से मना करती है तो गाँव में कोई ना कोई अशुभ घटना जरूर घटती है। इससे पूरे गाँव को नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ के लोगों ने बताया कि जिस दौरान स्त्रियाँ बिना कपड़े के रहती हैं, उस दौरान उन सारे स्त्रियों के पति शराब को हाथ भी नहीं लगाते और पूर्णतः शाकाहारी भोजन का उपयोग करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें।